नमस्कार फरीदाबाद, मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें, पुरानी चुंगी पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव है और यहाँ पर देख सकते हैं अमन गोयल जी पहुँचे हैं और मुकेश शास्त्री जी पहुँचे हैं, पारस भारद्वाज जी पहुँचे हैं और देखिए बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से जो है हनुमान जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और आप नेता रिंकू सिलानी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो है हनुमान जन्मोत्सव के सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ पारस भारद्वाज जी हैं, बातचीत करेंगे। पारस जी, क्या कहेंगे भव्य आयोजन? जी पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, सभी फरीदाबाद वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो सभी लोगों के संकट कटे और सभी लोगों जो है पीड़ा मुक्त हो, ऐसी हमारी प्रभु श्री हनुमान जी से, बजरंग बली से कामनाएं। और बहुत ही भव्य आयोजन आज जो है भाई जगवीर पहलवान जी, भाई रिंकू सिलानी पहलवान जी क्या, और इनके अखाड़े में जो आयोजन किया गया, और शहर के तमाम बड़ी हस्तियां, जो भी प्रतिष्ठित सामाजिक लोग हैं, सब लोग आज यहां पर। बड़ा अच्छा सुबह हवन भी हुआ था और अब प्रसाद वितरण हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बाकी देख सकते हैं हमारे साथ विनोद भाटी जी हैं। भाटी जी, हनुमान जन्मोत्सव का जो है पूरा शहर में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या करेंगे? पूरा शहर हनुमान में है। आप लोगों को भी पता है कि पहले राम में ही हुआ था, अब हनुमान में ही है जी। और सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी जनता को भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और आने वाले समय में आपको पता है कि मोदी सरकार फिर तीसरी बार आने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवारों को दे। और देख सकते हैं हमारे साथ जिन्होंने आयोजन किया है, रिंकू पहलवान है, आम आदमी पार्टी से नेता हैं, और जगवीर जी हैं, जगवीर पहलवान लगातार जो है महाराणा प्रताप अखाड़े में जो है बच्चों को ट्रेंड करते हैं। पहलवान जो युवा पहलवान हैं, उनको किस तरीके से कुश्ती में अपना करियर बना सकते हैं, उनको लेकर जो है ट्रेंड करते हैं। जगवीर जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों और देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराणा प्रताप अखाड़े उत्सव मनाया जा रहा है, ये सभी भाइयों का सहयोग है और प्रभु श्री राम की कृपा है, जो इतने धूमधाम से महाराणा प्रताप अखाड़े में हर वर्ष ये त्यौहार मनाया जाता है। लोगों से मैं यही कामना करूँगा, राम जी की कृपा से, जिस तरह से राम जी के आचरण थे, लोगों के विचारों में सम्मिलित हों, वैसे ही राम राज्य हमारे देश में स्थापित हो। इस वर्ष हमारे देश में प्रभु श्री राम का मंदिर भी स्थापित हुआ, मूर्ति, उसी के लिए हम हर वर्ष यही शुभकामना करेंगे कि देश में सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होती रहे, जो भी हमारे देश की खुशहाली के लिए, देश की सभी जनता की शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार जय श्री राम। देख सकते हैं हमारे साथ आप नेता रिंकू सिलानी है, भव्य आयोजन किया है, इनके मित्र हैं जगवीर पहलवान। रिंकू सिलानी जी, भव्य आयोजन किया है जन्मोत्सव पर। मंगल को जमने मंगल ही करते, आज सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हम 10 वर्ष से यहाँ पे जो एक प्रभु जी की कृपा से भंडारे का आयोजन करते आए हैं प्रभु जी के आशीर्वाद से, और ये महाराणा प्रताप अखाड़ा है जहाँ पे आके बच्चे एक अलग ही खेल के प्रति रुझान आता है और नशे पते से दूर होके यहाँ पे मेहनत करते हैं और अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं वो मेहनत करके मेडल लाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, महाराणा प्रताप जो अखाड़ा है यहाँ पर, जो भी जो युवा पीढ़ी है, जो इच्छुक है, जो पहलवान बनना चाहते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर निशुल्क जो है यहाँ पर अभ्यास कराया जाता है। और देख सकते हैं आज भव्य तरीके से जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन, देखें पीछे भंडारे का आयोजन चल रहा है और सुबह जो है यहाँ पर हवन हुआ, हवन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, अमन गोयल जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, देख सकते हैं। बाकी बातचीत करेंगे, व्यापार मंडल से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, खेड़ी रोड। अमन जी आज महाराणा प्रताप अखाड़े में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हनुमान जन्मोत्सव मैं है पूरा फरीदाबाद। ये सबसे पहले तो मैं आप सभी को हनुमान महोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बाबा से प्रार्थना करूँगा फरीदाबाद में खुशहाली लाए और दिन दुगनी रात चौगुनी फरीदाबाद तरक्की करे। देख सकते हैं
और यहाँ पर तमाम यहाँ पर देखेंगे समाज से भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भंडारे का आनंद ले रहे हैं, देख सकते हैं, बता दें आपको। और यही जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बता दें आपको कि देखिए महाराणा प्रताप जो अखाड़ा है यहाँ पर निःशुल्क जो है यहाँ पर बता दें कुश्ती सिखाई जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर। और जगवीर पहलवान है उनके द्वारा जो है लगातार यहाँ पर युवाओं को ट्रेन किया जाता है और यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। कई बार जो है ये कई बार केसरी रह चुके हैं, फरीदाबाद केसरी, हरियाणा केसरी रह चुके हैं और लगातार जो है इस अखाड़े को चलाते हैं, देख सकते हैं। भव्य आयोजन आज हनुमान जन्म उत्सव पर यहाँ पर किया गया है और ये देखें भव्य भंडारे का आयोजन था। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यूथ इस वीडियो को देख रहा है, तो हम उनसे कहेंगे अगर आप पहलवानी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा सामान जो है पहलवानी का यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये देखें जो जगवीर पहलवान हैं जिनके द्वारा जो है ये पूरा अखाड़ा जो है चलाया जाता है, देख सकते हैं आप फरीदाबाद महाराणा प्रताप अखाड़ा। और कई बार जो है ये फरीदाबाद में हरियाणा का नाम रोशन किया है इन्होंने, देख सकते हैं फरीदाबाद से लेकर हरियाणा तक का नाम रोशन किया है। और ये देखें देख सकते हैं फरीदाबाद। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो युवक आते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, देख सकते हैं। और आज यहाँ पर भव्य आयोजन भंडारे का और नंबर हम दे देंगे, ये देख सकते हैं जगवीर पहलवान जी का ये नंबर है, ये देखें ये फरीदाबाद, तो आप संपर्क कर सकते हैं, जोड़ेंगे फरीदाबाद। ऐसे ही तमाम खबरों से बहुत बहुत धन्यवाद।